इस वक्त पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के बेरमजूर जो गांव है वहां की जो परिस्थिति है अभी बहुत उत्ताप हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो है बीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन टीम भेजा गया था, एससी मोर्चा बीजेपी की जो है वो यहां आके अपने प्रोटेस्ट जता रहे हैं संदेशखाली की जो घटना घटी है। और इस वक्त जो है कि जितने भी ग्रामवासियां हैं सारे मिलके सामने आए हैं और सामने आके जो है प्रोटेस्ट अपनी जता रहे हैं, और साथ में ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एससी मोर्चा की जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, और इस वक्त जो है आप लोग 144 के अंदर है तो पुलिस की तरफ से क्या बोला जा रहा है? एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, तो पुलिस बोल रहा है कि 144 जिस दिन से लागू हुआ है उसके बाद टीएमसी का नेता यहाँ पर आकर जनसभा किए। तो हम लोगों का प्रश्न है, सवाल है कि 144 लागू होने के बाद टीएमसी का नेता यहाँ पर आकर जनसभा कैसे कर सकते, जब यही विषय हमने सवाल उठाए डीएसपी के सामने, यहाँ पर जो डीएसपी है उनके सामने सवाल उठाए, वो बोले आज तो कोई जनसभा नहीं हुआ ना, वो जो हो गया छोड़ दीजिए। तो हम लोगों का तो सवाल एक ही है कि एक देश में दो कानून कैसा होगा कि बीजेपी के साथ एक विषय है और टीएमसी के साथ एक विषय चलता है, टीएमसी का खुली छूट देता है और बीजेपी को यहाँ पर लोगों के साथ बात करने का मौका ही नहीं देता है। ये आपके सामने खड़ी है ये दीदी जो है, ये दीदी कल से ये घर से बेघर है, और जिसने बेघर किया है अभी भी ये गांव में घूम रहा है, बेघर किया है, ये कंप्लेन देने के लिए गए थे थाना में, इसीलिए इसको घर से बेघर कर दिए। और जिसने इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये टीएमसी का जो लोग है इनका जो घर बड़ी लूटपाट किए है, कि ये लोग भाजपा से जुड़े हुए है, विरोधी दल पार्टी करते है, भाजपा से जुड़े हुए या विरोधी पार्टी करते है, इसलिए इन लोगों को घर से बेघर कर दिए। की नाम दीदी? मैंने आपका नाम की? नाम पार्वती सरदार। पार्वती सरदार, ये पार्वती सरदार जो है, ये पार्वती सरदार जो है ये सिड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से है, ये सिड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो है इनका जो डेमोक्रेटिक जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ पर आकर खत्म होता है। इनको कल घर से बेघर कर दिए और जिसने बेघर किया वो अभी भी घूम रहा है। एकदम इस वक्त जो है कि पुलिस को भी घेराव किया गया था, पुलिसमैन संदेश खाली की जो ओसी थे उनको भी घेराव किया गया था ये बीजेपी की तरफ से, और इस वक्त जो है काफी उत्ताप हो गई है ये जो गांव है, और साथ में जितने भी गांववासियों हैं सब यहां पे आके अपनी प्रोटेस्ट जता रहे हैं। लेकिन एक चीज और कही जा रही है पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे 144 की धारा लागू है और इस पे इतना आदमी कैसे आ सकता है, लेकिन इस वक्त जो है न्याय की मांग कर रहे हैं यहाँ के गांववासी। कैमरा में श्याम के साथ अनिर्बान, आज तक संदेश खाली।